अजमेर के एक मिलिट्री स्कूल में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया और बताया गया कि आग स्कूल के एक स्टोर रूम में लगी, जहां टेबल कुर्सियां रखी हुई थी और आग की चपेट में आने से सभी टेबल कुर्सी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। वही भवन के पुराने होने के चलते ये भवन भी काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना के आधार पर 4 से भी अधिक दमकलों ने आग पर जैसे तैसे काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के वजह से लगी। इनका पुराना स्टोरेज का सामान था, उसमें आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड को इतना मिली, तुरंत हमने गाड़ियाँ डिस्पैच करी। हमारे फायर अफसर साहब गए, मीणा साहब, एफओ साहब गए, 3-4 गाड़ियाँ हमारी लग गई वहाँ पे, कंट्रोल कर लिया। बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है, वो तो एक पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें सामान था, उसको टोटल कंट्रोल कर लिया। एक नहीं, पुरानी बिल्डिंग है उनकी, और कोई पुराना स्टोरेज का सामान वगैरह रखा हुआ था, स्टोर किया हुआ था, टेबल कुर्सी वगैरह थी। नहीं, कोई हादसा नहीं हुआ, सबने कोई फर्नीचर वगैरह पुराना, वही ज़्यादा ख़राब हुआ है। और बिल्डिंग जो है थोड़ी सी वो डैमेज हो गई, क्योंकि वो लाइम स्टोन की बनी हुई है, डीकम्पोजिंग हो जाती है। 500